गूगल गूगल अभी अपनी पूरी बाइक ऐसा लोडेड है। लगता इससे अच्छी कोई जगह हो सकती है ब्लॉग स्टार्ट करने की, तो अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए। और बोला था ऐसा जुलाई चल रहा है ना, जून जुलाई पता है, हाँ जुलाई की स्टार्टिंग। और अभी हम लोग निकल रहे हैं मथुरा भाई, हम लोग मथुरा निकल रहे हैं। और ऐसा बोला था ना कि जुलाई में भयंकर मोटो ब्लॉग्स आएंगे, ब्लॉग आएगा जो भी आएगा। तो अभी फिलहाल बारिश ने स्वागत कर दिया है निकलते ही। और ये हम लोगों के जस्ट पीछे है आगरा एक्सप्रेस वे, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सी छत दिखी तो इधर ही रुक गए। बारिश बंद होने का थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद इधर से कल्टी हो लेंगे। और सब वाटरप्रूफ हो गया है, बंद गया है, ये इधर बैठेगा, हम यहाँ बैठेंगे, बैठते बन जाएगा ना अभी, बढ़िया बस ठीक। एक बैग आ गया, इसमें कुछ खास नहीं, इसमें सारी चीज़ें जो है वो वाटरप्रूफ करने वाली हैं, पॉलीथीन रेनकोट बस यही सब है इसमें, और कुछ नहीं है। वेट कर रहे हैं थोड़ी सी बंद हो, वरना फिर अभी रेनकोट पहनेंगे निकल लेंगे। चलो लेट्स गो भाई, निकलो। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये आगरा एक्सप्रेस वे, पर बारिश हो रही थी तो हम लोग रुक गए थे थोड़ा सा, तो हम लोगों ने सोचा इधर ही कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि आगे तो कुछ मिलने से रहा। एक बार एक्सप्रेस वे चढ़े तो फिर 100-100 किलोमीटर कुछ नहीं आएगा। हम लोगों ने पेट भर लिया है, थोड़ा सा बैग में भी सामान भर लिया है खाने पीने वाला, इंटरनेशनल राइड वाली गाड़ी ही जा रही है। ये देखो सामने आगरा एक्सप्रेस वे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग ऑफ डेट 3। आई एम होस्ट अक्षय, दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट। ब्लॉग एक बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं हो पाया, उसका रीज़न ये था कि पहले हम लोगों का प्लान जो था वो रात में निकलने का था, आगरा निकलने का था कि रात में निकलेंगे वही 12-1 बजे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक्सप्रेस वे से जाना है भाई, क्या मस्त लग रहा है ऐसा कर्व, एक्सप्रेस वे से जाना है इधर। अगर रात में कोई दिक्कत होती है तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, यही डिसाइड हुआ कि दिन ही निकल चलते भाई। उल्टा नहीं जा रहे हम लोग, उल्टा नहीं जा रहे, ओके okay। अभी घड़ी वड़ी सब जल्दबाजी में भूल गए हम। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोगों को आगरा नहीं जाना, हम लोगों को जाना है मथुरा। तो यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर, मथुरा लगभग 350 के आसपास हम मान के चल रहे हैं, अभी पता नहीं कितना। और अभी प्रियोरिटी यही है कि खींचते रहें वापस से, गाड़ी अपनी यही है। और कार से जाने का पहले घर पे कह रहे थे सारे लोग, कार से जाओ, मेरा भी मन था कार से जाने का, लेकिन हम लोग दरअसल स्टे करेंगे मथुरा में लगभग 10 दिन। मैंने कहा यार कार का लोचा फिर वो समझ नहीं आता, ऐसा बाइक है कहीं भी उठाया निकल गए। तो हम हैं, मोहित है, ये भी अपनी लाइफ का एक पार्ट है। 316 आगरा, 9098, हम लोगों की लेन जो होने वाली है वो ये। वाह मौसम है, चलो आगे मिलते हैं भाई। 100 किलोमीटर पे ही मिलना है ना क्योंकि अभी तो खींचना है, खींचते हैं। अभी बारिश बंद हुई है, 80 की स्पीड पे ऐसा लगता है इस पे कि क्या टहल चलो अभी हम तुमसे बात कर लेते हैं, 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि क्या धीरे धीरे टहल रहे हैं भाई, रास्ता पार ही नहीं हो। और बैग को पीछे बांध दिया है जिससे मोहित के ऊपर लोड ना पड़े, एक बैग हमने आगे टैंक पे आगे की साइड से रख लिया, हमको हवा नहीं लगती, जो यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं जो हमको बार बार निकालनी पड़ सकती हैं वो इसमें रखी है, वो ख़राब नहीं होंगी बारिश से, तो कोई टेंशन नहीं। कंटिन्यू कर चुके हैं मथुरा के लिए, 1000 का रन हो जाएगा ना ये, 1000 किलोमीटर का रन फिर से इस बाइक पे हो जाएगा। नेपाल से आई है, सर्विस कराया, उसके बाद फिर से 1000 का खींच रहे हैं, मतलब 500 जाना 500 आना, वो 1100 के आसपास भी हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन रुकेंगे तो भाई आसपास तो एक्सप्लोर करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोगों ने लगभग आगरा एक्सप्रेस वे पे खींचा है 80 किलोमीटर खींचा है, 100 हो गया, हमने देखा ही नहीं उसमें कितना था, 100 मान के चलते हैं। तो अभी इधर ये पहला फूड प्लाजा पड़ा है इधर एक्सप्रेस वे पे, कहीं रोड साइड पे कुछ खाने पीने वाला नहीं मिलता, बीच बीच में ऐसा साइड से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाद एक नीचे को रास्ता जाती है, उधर आप आएंगे तो उधर आपको ब्रेकफास्ट चाय सब कुछ, पार्किंग ब्रेकफास्ट मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ इधर मिलेगा, और उधर आगे पेट्रोल पम्प है, अगर आपको पेट्रोल वगैरह भराना तो उधर मिलेगा। बाकी ऐसा बीच में रोड साइड कुछ नहीं, साइड में उतरो 100 किलोमीटर बाद, उसके बाद जाओ खाओ पियो फिर आगे कंटिन्यू करो। बीच में बारिश मिल रही थी तो हमने गोप्रो लगाया नहीं क्योंकि प्रॉपर वो वाटरप्रूफ नहीं था, फिर गोप्रो हमने हटा दिया हेलमेट से, और ये पूरा लाइबाड़ अपनी बाइक पे रखा हुआ। चलो कुछ खाते पीते हैं भैया, चाय ऑर्डर कर दो चाय। अबे काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये चीज़ अच्छी है कि रोड साइड नहीं, ऐसा एक प्रॉपर प्लेस है, उधर आके खा पी सकते हो। फूड कोर्ट है, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कपड़े वपड़े खरीद सकते हो इधर, मतलब प्रॉपर एक मॉल जैसा है इधर। चाय पता नहीं मिलेगी भाई, पता नहीं, कॉफी बेटर देन लुलू मेला। ये इधर पूरा खाने पीने वाला, ये मसाला गली, उधर कैफे, पीछे चाय के लिए पीछे साइड है। तो मोहित चाय लेने गया है, तो चाय पियेंगे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे 10-20 मिनट बाद, तब तक बाइक भी अपनी ठंडी हो जाएगी, हम लोग भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। अभी अपनी चाय आ गई, पता है ये 90 रुपये पहाड़ पहले भाई, 90 रुपये की ये चाय है। और इधर काफ़ी बढ़िया सीन तो काफ़ी अच्छा है, मतलब पहले हम लोग वहाँ बैठे थे, उसके बाद वहाँ से इधर थोड़ा सा खुला सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ब्रो मेरे लिए चाय लेके आया है 90 रुपये की, मम्मी तक की ये वीडियो पहुँचनी नहीं चाहिए 90 रुपये की चाय वाली
कहिए रोज सुबह जब उठी हो ना तो कहिए ला 90 रुपए। अभी अपनी चाय आ गई पीते हैं, उसके बाद यहाँ से कल्टी मारते हैं। ठीक है टेस्ट, अदरक वाली चाय बढ़िया है, मतलब शुगर कम है, चीनी कम है, अदरक ज्यादा है। बाकी 90 रुपए में अच्छी तो लगता करिए। काफी बढ़िया बढ़िया नाम देखो इतना सही है, रोला रप्पा। प्राइस भी सही है ब्रो। 90 रुपए की चाय 20 और लगाते तो किंगफिशर आती। अभी एग्जैक्ट हमको रेट पता नहीं, हमने इसे गैस किया। जल्दी वापस आइए। बढ़िया थी चाय, बढ़िया थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, थोड़ी सी एक्सपेंस, बाकी अच्छा था। चलो नीचे चले, भूख भूख थी नहीं, अगर भूख होती भी तब भी ना खाते क्योंकि बहुत महंगा है। बाकी इधर कपड़े वपड़े भी ऐसे खरीद सकते हो, ऐसे कोई खरीदता नहीं है। मतलब यहाँ से निकलेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो GoPro लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं, जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ लगाएंगे। चलो कोई रिव्यू नहीं, अभी नहीं। 90 की चाय पीने के बाद कोई रिव्यू नहीं, सब अच्छा था, लेकिन प्रॉपर्टी बढ़िया है, मतलब शांति सुकून की जगह ऐसा, वो चिल्लम चिल्ली से थोड़ा दूर, लेकिन टपरी टपरी मिल जाती तो मजा आ जाता। वो खड़ी हमारी बाइक और बैग वैग हम यहीं छोड़ के चले गए थे, अगर बैग कोई ले जाता तो जीवन भर की जमा पूंजी जाती। मौसम अभी सुहाना हो गया, हमको लगता है रेनकोट पहनना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने एक्सप्रेस वे पे खींच दिया है लगभग 250 किलोमीटर, अपनी डेस्टिनेशन जो है वो बची हुई है यहाँ से 180 किलोमीटर। टाइम हुआ है, हम वॉच भूल ही गए जल्दी जल्दी में, टाइम हो रहा है 5:30। रास्ते में हम लोगों को बारिश मिली, फिर सूखा, फिर बारिश, भयंकर बारिश मिली सब कुछ, तो हम रेनकोट जो साथ में लेके आए थे तो इसकी वजह से रुकना नहीं पड़ा। हम लोग रुके कहीं नहीं, खींचते गए, जहाँ जहाँ फूड कोर्ट आ रहे थे वहाँ वहाँ पे हम लोग रुक रहे थे। दो ही फूड कोर्ट पड़ते हैं 100-100 किलोमीटर पे, पहले वाले पे रुके, दूसरे वाले पे रुके, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया। इधर बारिश का सीन नहीं था तो हमने कहा लगाते हैं, मोटो ब्लॉक करते हैं, थोड़ा सा हाईवे के नज़ारे दिखाते हैं सर। आगे अभी मथुरा में बात हुई है, मथुरा में बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, वहाँ पे भी बारिश आएगी, वहाँ पे कैमरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसको हम प्रॉपर वाटरप्रूफ बना के आए नहीं, क्योंकि इतना जल्दी में निकलना पड़ा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम भूल भी आए, Insta360 घर पे भूला है, मैप लगाने के लिए फ़ोन माउंट वो भी घर पे भूला है, तो बस यही है। बाकी अपनी गाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, 110cc पे अगेन हम लोगों ने आग मूंद दी है, हम लोग चल रहे हैं 80 के लगभग। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 9 बजे तक पहुँचेंगे, अभी 5:30 हुआ है, 170 किलोमीटर 8 बजे तक ही पहुँच जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। अभी पानी वानी हम लोगों ने पी लिया है, हाइड्रेटेड हो गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों के पास पानी खत्म हो गया है। तो फूड कोर्ट पड़ता है, वहीं पे आप पानी ले सकते हो, वहीं पे पेट्रोल करा सकते हो, वहीं पे खाना खा सकते हो, सब कुछ वहीं कर सकते हो, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसे ही साइड में ये खेत हैं, आप उधर भी नहीं जा सकते ना उधर जा सकते, कोई बंदा नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, बस मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल भी नाम मात्र की, बहुत कम मज़ा आ रहा है फिलहाल, एक इल्यूजन चल रहा है फिर से, और नेपाल राइड का ही असर है जो हम लोग ये भी खींच पा रहे हैं। एकदम खाली है भाई, एकदम खाली, इस पर सुपर बाइक हो तो ऐसा खींच दो 150, 160, 200 कोई मतलब नहीं, बस ये है कि हाँ बीच बीच में कैमरा ऐसा लगे हुए हैं, स्पीड लिमिट 100 है यहाँ की, तो अगर उससे ऊपर आप जा रहे हो उस कैमरे को आपने क्रॉस किया तो चालान तो होएगा। विंड ब्लास्ट भयंकर है, जब तक वाइजर ना खोलो तब तक पता नहीं चलता, वाइजर खोलते पता चलता है कि हाँ भयंकर विंड ब्लास्ट है। कोई बड़ा शहर आता है जैसे सैफाई आया था तो बीच बीच में एग्जिट है, लेकिन वो भी 30-30, 40-40 किलोमीटर के बाद ही है। 95 किलोमीटर अभी एक्सप्रेसवे बचा हुआ है ये, और स्पीड लिमिट 100 की है। मज़ा आ रहा है, बाकी क्या ही कहें, बस बाकी चल रहा है, आगे मिलते हैं। अभी उधर बादल आ गए हैं, मे भी आगे बारिश मिलेगी 100%, पीछे तो भयंकर बारिश मिली थी, काश उसको रिकॉर्ड कर पाते। इधर आगरा एक्सप्रेसवे पे ऐसा मोटो ब्लॉग करने का कुछ रहता नहीं है, बस ऐसे ही खाली खाली सी रास्ता रहती है, साइड में गांव आते जाते हैं, निकलते जाते हैं, छूटते जाते हैं, शहर आते जाते हैं, छूटते जाते हैं, इधर दिखाने को बहुत बमुश्किल कुछ रहता है। तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो उसका खाली एक ही रिजल्ट आएगा, GoPro की बैटरी जाएगी, देखने लायक कुछ मोस्टली नहीं रहता है, बस बीच बीच में ऐसी लाइट्स आती हैं जो थोड़ा सा देखने में अच्छी लगती हैं। और ये जो एग्ज़िट है ये मैनपुरी के लिए है, ये एग्ज़िट देख रहे हो, बस ऐसे ही एग्ज़िट मिलते हैं बीच बीच में, अगर कोई बड़ा शहर आता है ये सेकंड एग्ज़िट है,
मैनपुरी के लिए चली गई, और हर एग्जिट पे एक टोल है। अगर आप बाहर एग्जिट लेते हो तो टोल आपको क्रॉस करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर आप उधर से फिर आते हो तो फिर से पे करना पड़ेगा। लखनऊ से बाइकर्स के लिए जो टोल हम लोगों का पड़ा है वो 330 रुपये पूरे एक्सप्रेस वे का। जो आप लखनऊ से एंटर करते हो तो वो 330 रुपये काट लेते हैं टोल पे, आपको एक रिसिट दे देते हैं। वो रिसिट जब आप एक्सप्रेस वे उतरोगे वहाँ पे चेक होगी, तो वो रिसिट काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखनी पड़ती है। और अभी यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा लल्लन टाप है। GoPro में पता नहीं कितना समा जा रहा है, हमको कोई आइडिया नहीं, लेकिन जो ये साइड से लाइट ऐसे ऐसे हैं भाई, क्या मस्त लग रही हैं। यहाँ पे लेने वाला है ड्रोन शॉट, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास ड्रोन है नहीं, और इंस्टा 360 मैं घर पे रख के आया जिससे मैं फेक ड्रोन शॉट ले सकता था। नोचते जाओ नोचते स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 60 वाट की स्पीड पे चल रहे हैं, लगता है काफी धीमे चल रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, सेफ है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। ये लेन जो है ये ट्रक वालों के लिए है, बीच वाली कार के लिए, और जो सबसे राइट साइड में है वो ओवरटेकिंग लेन है, और मोटरसाइकिल के लिए ये और ये दो यूज कर सकते हो। बाकी सब चंगा सी ब्रो। अस्सी की स्पीड पे ट्रक, 100 पे कार, ओवरटेकिंग लेन साइड वाली। बाइकर्स का कुछ है नहीं, लेकिन बाइकर्स अलाउ हैं, लेकिन टोल कटता है उनका भी 330 रुपये। अगर आपको कहीं बीच में एग्जिट लेना है तो वो पूछते हैं कि कहाँ जाना है आपको, तो अगर आपने बताया कि कहीं और जाना है, अगर एक्सप्रेस वे क्रॉस नहीं करना है, तो उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं और आपको बताएंगे कि कितना टोल लगेगा आपको जहाँ जाना है। एकदम सन्नाटा, पंचर हो जाए इधर तो खुद से ठीक करो, आधे आधे घंटे चलते रहोगे कोई व्हीकल निकलेगा ही नहीं। बादलों को देखते देखते हमारा रास्ता कट रहा है, आपसे बात करते करते हमारा रास्ता कट रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो शेयर वेयर सब कर देना। ये मोटरसाइकिल को टूरर बना दिया हमने भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब अपनी बाइक पे जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, काफ़ी लॉन्ग राइड करते हो, तो एक कॉन्फिडेंस है वो भाई, डेयर डेविल, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इससे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो नेपाल लेके गए, अभी मथुरा जा रहे हैं, और लद्दाख भी जा सकते हैं इससे, लेकिन सोलो, अभी तो पिलियन है साथ में क्योंकि ये एक्सप्रेस वे अच्छा है, ऑफ रोड में दिक्कत होगी थोड़ा सा। GoPro पे कितना समझ में आ रहा है, लेकिन सामने जो आसमान का शेड है ना ऊपर ग्रे, वहाँ पे गोल्डन गोल्डन, क्या प्यारा लग रहा है भाई, मतलब एक अजीब सी लग रहा है, पेंटिंग देख रहे हैं हम, ड्रीमलैंड पे चल रहे हैं रास्ते ख़त्म नहीं हो रहे, बस चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन सुकून मिल रहा है। इतनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं पूरे आसमान पे, लल्लन टॉप बहुत मस्त लग रही भाई, गोल्डन गोल्डन ऊपर ग्रे, एकदम ज़बरदस्त। कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या जो भी हो, उधर पे रोड बंद कर रखी है, इसमें ऐसा डाइवर्जन दिया हुआ है। तो मक्का की खेती बहुत होती है, जो पड़ा हुआ है ना पीला पीला सा, ये सब मक्का है, सब मक्के के दाने हैं। ये रोड पे यहाँ से वहाँ तक की जो बिछा रखा है, ये तो पॉलीथिन खेत, ये जो दूर तक की दिख रहा है ना, ये सब मक्का है, सब एक तरफ से। तो इधर मक्के की खेती बहुत होती है, रोड पे पॉलीथिन लगा के वो दाने साफ़ करते हैं। अभी देखो, ये देखो साफ़ कर रहे हैं भाई पूरा, मतलब हम लोग देखते हैं, अरे ये आधा आधा किलोमीटर तक के बिछे हुए हैं मक्के। कुछ तो दिखाने लायक मिला काफ़ी टाइम बाद, अभी पता नहीं उस साइड नदी है क्या है, लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा था कि आगे ब्रिज कैंप ना हो रहा हो। जिसने पबजी खेला होगा उसको वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा, भाई भाई आगे ब्रिज कैंप है, डॉज कर डॉज कर अभी वाइजर पे थोड़ी थोड़ी सी बूंदें पड़ी हैं, पता नहीं GoPro पे पड़ी कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हल्की हल्की सी, वो जो जिसको बोलते हैं ना फाफे, वो वाइजर पे पड़े हैं। अगर बारिश तेज होती है तो फिर कैमरा हटाना पड़ेगा, पानी सारा उस साइड को जा रहा है। रोड भीगे हम लोग आए हैं अभी जस्ट पहले, थोड़ा बारिश हुई है यहाँ पे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, एग्जिट कर रहे हैं, मतलब
जब आप चढ़ते हो लखनऊ से तब एक टोल पड़ता है, उसके बाद जब आप एग्जिट करते हो तब यहाँ पे चेक होती है रिसेट। तो अभी हम लोग वहीं पहुँचे हैं और ऑलमोस्ट अभी एक्सप्रेसवे ख़त्म होने वाला है। यहाँ से 100 किलोमीटर बचेगा मथुरा। 11:30 बजे निकले थे, अभी 7 बजा है जब एक्सप्रेसवे ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। अभी हम लोगों की रिसेट चेक होगी, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग आगरा का जो टोल है एक्सप्रेसवे के बाद एक और टोल पड़ता है जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वो सामने देखो टोल दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं चाय वाय पीने के लिए। अभी यहाँ पानी वानी पियेंगे, उसके बाद रुकेंगे तो सीधा मथुरा में। यहाँ से 75 किलोमीटर है मथुरा, पहुँच जाएंगे वहीं पे, आराम से लेते हैं आगरा, रुकने कोई मतलब नहीं। यहाँ रुको कल फिर भागो, इससे अच्छा अभी इतना जब मरवाया ही है तो मोटा पतला क्या, देखना सीधा मथुरा रुको। अभी इधर अपनी मूंग दाल चाय चल रही है। 9 बजे मथुरा एंटर किया, 9:30 बजे मथुरा एंटर किया। बारिश इतनी मिली कि घोपरों पे कुछ शूट नहीं किया और रास्ते में ऐसा ऐसा पानी भरा था ना कि उसमें गाड़ी ऐसा तैर तैर करनी। मोहित से पूछा भाई कैसा रहे आगे वाले बाइकर ने पानी ऊपर आ रहा था भाई, आगे वाली हेडलाइट के पास से पानी ऊपर आ रहा था, रोड पे इतना भरा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, रूम वगैरह ढूंढने में काफी टाइम लगा। फिर 12:30 बजे के आसपास हम लोगों को रूम मिला। ये अपना रूम है, इधर अपना प्रॉपर हेलमेट है, उधर बैग है, उधर बैग है, उधर जूते हैं सब भाई, जूते उधर पूरे भीग गए हैं। तो ये रूम है, अभी बस यहीं स्टे करना है। तो अभी ब्लॉग करते हैं, ख़त्म करें। अभी ब्लॉग देख रहे हो तो जो मन में है सब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, तो मथुरा एक्सप्लोर करेंगे।